हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में 12 नंबर का पेज पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट द क्रॉस क्रॉस वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाइड करना है और उसका स्पेलिंग लिखना है। आपने सेम वन में भी ऐसा क्रॉस वर्ड की एक्सरसाइज की थी, है ना? और ये वो 3 वर्ड्स की थी, ये 4 वर्ड्स की है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर को आइडेंटिफाइड करना है और वो स्पेलिंग बनाना है। तो ऑलरेडी आपको एक बार किया है तो आपको ये आता है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखो, ये है SELL, सेल। सेल मतलब मैंने आगे पढ़ा है ना कि बेचना, बेचना। तो यहाँ पे देखो, ये जो है वो ये क्लॉथ बेच रहा है, तो वो जो सेलिंग करता है उसको बोलते हैं सेल। फिर है टेल, टेल मतलब बोलना, बताना। ये दोनों लड़कियां हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करती है, वो जो बोलती है उसको बोलते हैं टेल, अंडरस्टूड। उसके बाद है हिल, हिल मतलब मैंने आगे आपको बताया ना कि हिल मतलब पर्वत, पहाड़, उसको बोलते हैं हिल। तो यहाँ पे आएगा SELL, हिल। और फिर है बिल, बिल का मतलब क्या है, तो वो भी मैंने आगे आपको बताया। ये जो है वो बिल बताया हुआ है ना? जैसे कि आपके घर पे फोन बिल आता है, लाइट बिल आता है ना, तो वो जो बिल आता है उसको बोलते हैं बिल। उसके बाद है WALL, वॉल। वॉल मतलब दीवार, मैंने आगे पढ़ा है ना आपको, तो ये जो दीवार है उसको बोलते हैं वॉल। और VELL, वेल एटले कुआ। ये देखो कुआ का, मैंने आगे आपको ऐसे ओरली समझाया लेकिन यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं वेल और उसको बोलते हैं वॉल, अंडरस्टूड। उसके बाद है, ये है BALL, बॉल। BALL, बॉल। TALL, टॉल। टॉल का मतलब लंबा, टॉल का मतलब क्या है, लंबा। ओके, फिर ये क्या है, BULL, बुल। बुल मतलब बड़द, वो बड़द जो आता है ना उसको बोलते हैं बुल। और BELL, बैल मतलब घंटी, वो मैंने आपको आगे समझाया है ना, तो वो है ये। इसके बाद है, ये गिरा हुआ लड़का बैठा है ना, गिर गया है, तो उसका आता है FALL, फॉल। ये देखो, ये जो बाउल है वो पूरा भरा हुआ है, तो उसको लिए क्या आएगा, तो क्या FULL, फुल मतलब भरा हुआ है ना। बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे आपको ये समझ के उसके स्पेलिंग लिखना है, तो ही आपको वो आएगा, है ना? ओके बच्चों, बाय।